आज मैं आपके लिए मुखवास की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मुखवास हमारे शरीर के लिए आरोग्यदायी है। रोज इसे हम खाने के बाद एक चम्मच खाएंगे तो इससे हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि हम एक साथ सारी चीजें एक ही समय पे खाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस मुखवास को बनाना शुरू करते हैं। इस मुखवास को बनाने के लिए मैंने ये आधी कटोरी तिल लिए हैं, सफेद तिल है ये, और ये आधी कटोरी अजवाइन, ये आधी कटोरी अलसी है, और ये आधी कटोरी सौंफ, बारीक वाली सौंफ है बड़ी शेप जिसे हम पान में खाते हैं, और ये आधी कटोरी धनिया की दाल, और एक नींबू का रस, और ये सेंधा नमक। इन सभी चीजों को मिला के हम आरोग्यदायी मुखवास तैयार करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पैन रख दिया है, उसमें डाल रही हूँ ये सौंफ और साथ में अजवाइन। दोनों को थोड़ा सा भून लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इसको। सौंफ और अजवाइन को भूनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ही डाल के भून लिया है। सौंफ फटाफट से जल्दी से भून जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, और अजवाइन भी जल्दी भून जाती है। बस इसे 2 मिनट भूनना है सिर्फ कलर चेंज होने तक, ताकि इसमें जो नमी होगी वो निकल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चुटकी भर सेंधा नमक, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, और इसे भून लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं, सौंफ और अजवाइन को अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में मैं ये डाल रही हूँ सफेद तिल, और उसमें भी डाल रही हूँ चुटकी भर नमक, ये सेंधा नमक है, इसके लिए सेंधा नमक का ही यूज करें। अब तिल को भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए तिल से आवाज आने लगी है, तिल चटकने लगी है, इसका मतलब तिल भी अच्छे से भून गई है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में मैं डाल रही हूँ अलसी, इसे भी भूनेंगे। इसमें भी मैं चुटकी भर नमक ले रही हूँ, अब इसे भी भून लेंगे। तिल और अलसी ये दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बाकी सारी चीजें भी हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है। तिल और अलसी हमारे शरीर के हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होती है, हमें इसे रोज खाना चाहिए। इस तरीके से आप मुखवास बना के रख ले और खाने के बाद रोज एक चम्मच खाएं। अलसी को भी अच्छे से भून लिया है, इसमें से भी चटकने की आवाज आ रही है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये है धनिया की दाल। धनिया की दाल तो वैसे ही रोस्टेड ही मिलती है, पर इसे हम एक बार इसी पैन में, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, इसी पैन में इसको डाल के हल्का सा सेक लेंगे, इसमें जो नमी होगी वो निकल जाएगी इसे रोस्ट करने से। धनिया की दाल को भी मैंने रोस्ट कर लिया है, और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसे हम फिर से पैन में डालेंगे मिक्स करके, और ये आधा चम्मच नींबू का रस है जो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और इसे सभी चीजों के साथ अच्छे से मिला के रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये रस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हम इस मुखवास को खाएंगे तो थोड़ा सा खट्टा और नमकीन फ्लेवर आएगा। इसमें हमने पहले से ही नमक डाल दिया है, अब इसमें ऊपर से नमक और नहीं डालना है, बस हमें नींबू का रस डालने के बाद थोड़ा सा ड्राई करना है, और इसमें मॉइस्चर ना रहे, अच्छे से रोस्ट कर लिया है इसे। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब ये हमारा मुखवास बनके तैयार हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे हम बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये अभी गर्म है, इसलिए हम इसे अच्छे से फैला देते हैं,
और इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर छोड़ देते हैं। ये हमारा मुखवास बनके तैयार है। ये आरोग्यदायी मुखवास है। इस तरीके से आप बना के रखिए और रोज खाना खाने के बाद एक चम्मच खाइए। ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसे बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, सिर्फ खाना खाने के बाद एक चम्मच खाएं, रोज खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मुखवास कैसा लगा। तो चलिए हम इसी तरह की और अच्छी अच्छी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे।